बताओ फिनिक्स लॉन्डो। तुम्हारे सारे लौंडे हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है क्या? हाँ अपने तुम्हारे सारे लौंडे हैं। हाँ ये जो अपन चार खड़े हैं बस वही अभी तो यही है। हाँ तो देखो यार एक सीन है तो तुम्हें बताना था। वेनिशन वेनिशन एक सेकंड रुको। Listen, I may be an asshole, but this asshole makes $6,000 an hour. जैसा कि तुमने बोला था कि तुम्हारा और एलएस का सीन अलग अलग है, हाँ है ना? बोलो ना। यार तुम्हारा एक लौंडा है तूफान, तुम्हारा या नहीं ये बताओ। हाँ आगे बताओ। यार वो बार बार देखो सीन सिंपल है तुम्हें बता रहे हैं। एलएस का जो भी सीन हो रहा है उसमें हम इन्वॉल्व है, ठीक है? ठीक है। और तुम्हारा लौंडा जो है वहाँ हम लोग बंदे उठा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वहाँ के, बार बार पोक कर रहे हैं, बस डाल रहा है एलएस ऑन टॉप, ये जो उठाने के बाद उसी टाइम एग्जैक्ट द सेम टाइम जानबूझ करके, वो भी और उसको जानबूझ करके कर रहा है यार। दिखते हैं, आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन एनीथिंग बिकॉज़ एक्सप्लेन करने का मन नहीं मेरा। कंटिन्यू। ठीक है तो हम तूफान को गोली मार दे, यू डोंट केयर ना? क्यों? बिकॉज़ एलएस और तुम्हारा सीन अलग अलग है, वो एलएस में काम कर रहा है और मेरे को यहाँ दिखेगा हम गोली मार देंगे। एक बात बताओ तुम्हारा क्या था, तुमने क्या बोला था तूफान को उठा के? क्या बोला था कि एलएस में काम ना करना? टेंडर टेंडर वापस दे दो भाई। उस टेंडर वो क्या करता है, वो क्या था, वो क्या नहीं, एक मिनट रुको, टेंडर तक की बात हुई थी? टेंडर वापस ले लो, तब तक एलएस पे ड्यूटी देने मत दिख जाना, ये बोला था पूरा। टेंडर तक की बात हुई थी? टेंडर वापस ले लो, जब तक ड्यूटी देता मत दिख जाना वहां पे। टेंडर तक की बात हुई थी ना, वही बोल रहा ना, जब तक वहां पे ड्यूटी देते मत दिख जाना, जब तक टेंडर वापस नहीं जा रहा। वही वहीं तक की बात थी ना, तो कल की बात बोल रहे हो तुम, तो ज्यादा ने टेंडर वापस दे दिया उनको। अच्छा कल की कब उसका बस कब आया था? परसों आया था ना, आई थिंक सो। कल या कल रात को आया था। कल से भी आ रहे हैं, परसों से भी आ रहे हैं। कल दिन में हमने एक लौंडे को उठाया था, ठीक है? हाँ। उसको हमने चाकू मारी। हाँ। वो गया वहां पे दोबारा उसी टाइम एग्जैक्ट, बस डाला एलएस ऑन टॉप एलएस इज ओपन, और तुम्हारा तूफान भाई भी वहां पे वही बस डाले सेम एलएस ऑन टॉप एलएस इज ओपन, जब तक टेंडर वापस नहीं लिया गया था, ठीक है? नहीं टेंडर मैं बताता हूं, जब तूफान को तुमने उठाया था अगर तुम ही बोलो तो उसी टाइम, सुनो ना मैं बता तो रहा हूँ, उसी टाइम हमको ज्यादा ने बोल दिया था टेंडर जो है उसके बाद हमको कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ता है। सुन तो लो मेरी बात, सुन लो, कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ता है, हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया ही नहीं है उनको, पीडी वालों को। और रही बात, कल जोगी आएगा और वो टेंडर वापस दे देगा, वो खुद बोल देगा। और सुन तो लो मेरी बात, सुन लो, अब जो भी सीन वो मुझे नहीं पता, जोगी वो अपना देखेगा, मैं अपना बता रहा हूँ। तो कल जो सीन हुआ है, कल ज़्यादा ने हमको बोला हमने टेंडर वापस दे दिया, सब आराम से नॉर्मली काम करो जिसको करना है, और वो तूफान खाली अपनी गाड़ियाँ वहाँ पे रिपेयर करता है और निकल जाता है। भाई 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 किसी और की नहीं करता। बोल लिया, हो गया हो गया। हाँ आप सिंपल सीन बता रहे हैं कि मेरे को ये नहीं जानना किसने ये बोला किसने या बोला, लाइक समझ रहा हूँ कि टेंडर जोगी ने बोल दिया हमें ये बोल दिया, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? मेरे को जो दिख रहा है वो तुम्हें बोल रहे हैं हमें कुछ एक्सप्लेन नहीं करना कि एग्जैक्ट सेम टाइम पे कितने बस किए, 3 बजे 3:21 पे क्यों जोगी ने वापस ले लिया, ये कर लिया वो कर लिया, हम तो मुझे बोल रहे हैं हम इन्वॉल्व है, ठीक है? हम उसको गोली मारने वाले थे कल, टेंडर वापस हो गया इसलिए गोली नहीं मारी। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, टेंडर वापस हो गया। You are not here to tell टेंडर वापस। अरे जब हमें पता चलेगा कि वापस हो गया, जब ऑफिशियल अनाउंस हो जाएगा तब हम मान लेंगे, तब हम रुकेंगे। अभी उनसे जाने की जरूरत नहीं है ये चीज। अभी तुम्हारे एक मिनट, मैं अच्छा अगर ज्यादा ने बोल दिया टेंडर वापस हो गया तो रुक जाओ, तुम एलएस में इन्वॉल्व हो? नहीं एलएस में हो तो तुम्हें कैसे पता वापस हो गया कि नहीं हो गया? वो तो हमें बताया ना कल ज्यादा ने सबको बोला, तो जब हमें ऑफिशियली पता चल जाएगा तब हम कर देख लेंगे क्या सीन है। ठीक है देखो हमें ये सब नहीं आना किसने क्या बोला क्योंकि हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, हम तो अपनी हम ना ही एक्सप्लेन करने में इंटरेस्टेड है, लेकिन हम तुम्हें सिर्फ ये बताने आए हैं कि हम कल तूफान गोली मारने वाले थे, हमने मारा इसलिए नहीं क्योंकि वो तुम्हारा लौंडा था, और अब अगर मेरे को दिख गया उसका एक भी बस या फिर वो कहीं भी खड़ा हुआ एलएस पे,
तो एलएस के अंदर ही नहीं बाहर भी गोली मारेंगे। ठीक है चलो, एक और इसमें मैं अपना टर्म बता देता हूँ सिर्फ, कि वो अपनी गाड़ी रिपेयर करेगा और किसी की नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग वो अपनी गाड़ी रिपेयर करें हमें उससे कोई दिक्कत है ही नहीं यार, वो बस डाल रहा है ये सब चीजें कर रहा है पॉप कर रहा है तो दिक्कत रहेगी हमें। हाँ ठीक है डन। और बाकी बात रही आज तक तुमको शायद ऑफिशियली पता भी चल जाएगा कि वो टेंडर वाला सीन ही वो हमारी हेडेक है, वो तो बात की बात है। हाँ बस मैं बता रहा हूँ। तो ठीक है तुम्हारे और कौन कौन काम करता है तूम्हारे लौंडों में से? अभी तो बस वही काम करता है तूफान। देखो यार जो अपने लिए गाड़ी रिपेयर करते हैं हमने, चाहे वो तुम में हो चाहे वो किसी में हो, हमने उनको कुछ बोला ही नहीं है, हमें उनसे फर्क ही नहीं पड़ता बस। ठीक है तो ठीक है तुम्हें फेस टू फेस बता दिया, अब ये तो इन्फॉर्मेशन पीडी को दे देना। मैं क्यों दूं पीडी को, मेरा कुछ इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है इसमें भाई। तो बस ठीक है कोई सी, मैं तो उस दिन सिर्फ इसके लिए आया था कि मेरे को चाहिए थी वो गन, क्योंकि तुम्हारा एलएस से मैटर है तो रखो एलएस से मैटर, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, जो करना वहाँ पे करो। बट अभी मेरा बंदा उठा था तो अगर जो भी गन थी वो फालतू में क्यों जाए, क्योंकि हम दोनों का कोई मैटर ही नहीं है, हम दोनों का इसमें बीच में मैटर ही नहीं था, तो मेरे को गन चाहिए थी बस दैट्स इट। अगर तुम उस दिन बोल देते ना कि तुम लोगों, तो उसके बाद वो दिखता भी नहीं, उसको पता ही नहीं कौन है तूफान को कि कौन है पीछे, तो क्या करे। बट अभी तुमने बोल दिया ना बस भाई, तूफान के बस से पता क्या लग रहा था, वो बज रहा है पीडी के दम पे। अगर वो तुम्हारे ग्रुप का बंदा है तो वो पीडी के दम पे कैसे बच सकता है, मेरे को ये बता दो, क्योंकि तुम पीडी पे इतना ट्रस्ट करते हो। एक बात बताओ उसको उसको पता ही नहीं है कौन सा ग्रुप पड़ा है उसके पीछे। अरे तो कोई भी ग्रुप हो पीडी के दम पे बजना तो एक डिफरेंट थिंग होगी, डिफरेंट थिंग है ना ब्रो, सामने कोई भी ग्रुप हो। अब उसको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ज़ारा ने उसको बोला कि डाल दे, क्योंकि वो उस टाइम मैनेजमेंट पे था पहले। यार हु इज ज़ारा, शी इज जस्ट अ ओनर ब्रो। हाँ तो ओनर है, नथिंग एल्स। और वो मैनेजर था जब स्टार्ट हुआ था। हम लोग ज़ारा को उठा के मार सकते थे बट नहीं मारा, क्योंकि हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें दुकान से लेना देना है। हाँ तो मैं बता दूं ना, ज़ारा ओनर थी और वो मैनेजर था जब स्टार्ट हुआ था, वो तो तुम्हें खुद को पता है, तुम्हें जॉब दिलवा रहा था वो टीनियस। हाँ तभी तो हमने बोला भाई, तभी तो हमने उसको बोला कि हट जाओ। वो हमारी जितनी सुनता है उसकी भी थोड़ी बहुत सुनता है, क्योंकि वो ओनर थी और वो मैनेजर था। ठीक है कोई सीन नहीं है, जब तक हमारा सीन सॉर्ट नहीं होता वहां से, जब होगा तब तुम्हें बता। भाई लाइक करें, लाइक करें। तूफान वहां पे दिखना नहीं चाहिए, अपनी गाड़ी रिपेयर करे कोई दिक्कत नहीं है अपनी गाड़ी, बट अगर बस करेगा या फिर कहीं भी खड़ा हुआ बस में दिखाई देगा कि एलएस ओपन एलएस ऑन टॉप ये सब करेगा, या फिर किसी और की गाड़ी रिपेयर कर रहा होगा और हमें भी हल्का सा इन्फॉर्मेशन मिल गया, तो हम अगली बार मीटिंग करने नहीं आएंगे। ठीक है क्योंकि हम वो लिटरली बता रहे हैं, अभी तक हमने किसी को गोली नहीं मारी है, वार्निंग दे रहे हैं, सिर्फ वार्निंग। ठीक है और हम चाहते भी नहीं कि किसी के साथ हमारा कोई सीन भी हो, बिजनेस के लिए हमारा किससे पर्सनल सीन हो। ठीक है हमारा हम अब सीन ऐसा है, हमारा एक काम हम कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है डन डन है ना सीन, दो पार्टीज का सीन है, अपन क्यों ही लड़े आपस में। हां सब चीज डन डन बस सभी बता दो, टिंकू शुरू कर उधर से। एक हमारा दोस्त भी है निक, निक डियास। अब ठीक है? ओके। इट्स मी टायरल ब्राउन। ओके। उसके पीछे जैक डैनियल। उसके पीछे एजेक्स क्लैन। एजेक्स आप? हाँ। कर लिए ले जाओ। बाबूराव। मैं डेमन ब्रैडी। मैं बता देता, ये लेफ्ट में मार्कोस है, उसके लेफ्ट में शीनिल, उसके राइट में और उसके राइट में गप्पू प्यारे, एंड उसके जो एकदम एक्सट्रीम राइट है वो है जेसन जिसने हाथ ऊपर किए, एंड पीछे ये जिया है, एंड वो सही है। और सीनियर्स के पीछे है डेमन ब्रैडी और वो तो बता दिया, बता दिया। अभी कान बंद है, वो नहीं हुआ है, लास्ट चाय पी रहा था। आर्थर क्लू। ठीक है। और मैं हूँ शेनल। बता दिया भाई साहब आपका नाम। भाई हो गया, हो गया। भाई तुम लोग जॉनसन भाई तुम भी तुम्हारे पे कौन करे बता रहा हूँ। देखो मास्क उतरवा लो और नाम बताओ। अभी जो यहाँ पे खड़े वो बता देता हूँ, बाकी तो काफी हैं। एक ये कैल्विन है, वो है सलीम राइट वाला, ये कबीरा है, वो है जार। तुम्हारे भी काफी मिसिंग साइड में थोड़े काफी बंदे आए नहीं पाए, साइड में बैठे हुए तुम्हारे बंदे हैं। हां मतलब दोस्त है वो। अच्छा अच्छा आधे बंदे आए हमारे।
आगे बन जाए, आगे भी आए। सही है, चलो मिलते हैं, कोई सीन नहीं है, डन। ओके मिलते हैं, शेयर ऑन गाइस, ठीक है तो मिलते हैं। यस लगाई था, मैं लगाई था कुछ अलग करके जाएगा। ए भाई खड़ा वाला, शेन का लड़की बाजी छोड़ना। आओ इधर आओ।